अगर आप गवर्नमेंट के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है NPrep क्लासेस के अंदर। और मैं जिस टॉपिक की आज बात कर रहा हूं और जो हर एक एग्जाम में जो है वो मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसको आप एडवांस प्रोसीजर के तौर पे जानते हैं कि सर रोड साइड में भी अगर कोई भी पेशेंट गिरा हुआ है और उसके एयरवे को अगर मैनेज नहीं किया जाए तो पेशेंट जो है वो क्या हो सकता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से ब्रेन डेड हो सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जा सकता है। तो उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट वो अपन बात करते हैं LMA प्रोसीजर की, लैरिंजियल मास्क एयरवे। ये एक ऐसा एयरवे है जिससे लिए कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, एक ले पर्सन भी यूज कर सकता है, पर आप एज ए टेक्निकल पर्सन हैं तो आपको LMA यूज करना आना चाहिए, हॉस्पिटल सेटिंग में भी, और आप कहीं आउट कम्युनिटी सेटअप में हैं या फिर रोड साइड में हैं तो ये प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए कि क्या साइज का LMA यूज करना होगा, किस तरह से टेक्निक्स यूज करनी है, कैसे इंसर्ट होगा और वो सही जगह पे गया या नहीं गया, ये सब चीजें। तो आइए इस क्लिनिकल प्रोसीजर में अपन इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पे जानेंगे कि किस तरह से LMA इंसर्ट किया जाता है और कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना चाहिए। हर एग्जाम नर्सिंग के जितने भी प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं उनको सभी को पढ़ना चाहिए, सभी को देखना चाहिए, क्योंकि सर NORCET जो है वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, आपकी DSS भी सिनेरियो बेस्ड पूछने लग गए हैं, चाहे KGMU का एग्जाम हो, SGPGI को हो, रेलवे का एग्जाम हो, हर जगह पे आजकल एडवांस प्रोसीजर पे सवाल आते ही आते हैं और सब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये प्रोसीजर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है क्योंकि हमने जो चीजें की है वो प्रैक्टिकली दिखा के की है। तो अगर एक बार आप प्रोसीजर देख लेंगे तो कभी भी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्रोसीजर आपके सामने हुआ होगा और उससे चीजें जो है वो क्लियर आउट होती चलेगी। आगे बात करते हैं सर एयरवे में, इसके लिए तो क्या करेगा, लैरिंगोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, राइट, एक एक्सपर्ट जो है वो बंदा चाहिए, ट्रेकिया दिखना चाहिए। पर अगर आप ऐसा कह रहे हैं सर रोड साइड में किसी को जरूरत पड़ गई कि सर उसको सांस नहीं आ रही है और आपको ट्यूब डालनी है, तब क्या करेंगे, तो उस केस में आप क्या यूज करते हैं, LMA यूज करते हैं, लैरिंजियल मास्क एयरवे। देखिएगा ये आपको ट्यूब दिख रही है, ये LMA है, लैरिंजियल मास्क एयरवे। इसको यूज करने के लिए कोई एक्सपर्ट जो है कि एक्सपर्ट की जरूरत नहीं होती, एक लेमैन भी यूज कर सकता है, एक कॉमन मैन भी यूज कर सकता है। किस तरह से यूज करेंगे, इसके ऊपर जेली लगानी है, यहाँ पे जेली लगाने के बाद में इसको आपको क्या करना है, इस तरह से अंदर डालना है, इंसर्ट करना है, राइट, इस तरह से आपको अंदर जाना है, ये ऊपर रहेगा, ये ऐसे डाल मत देना, यूं ऐसे नहीं जाएगा, ये इस तरह से जाएगा, यहाँ पे जेली अप्लाई करनी है जिससे फ्रिक्शन नहीं होगा, आसानी से फिसल जाएगा, ये फिंगर आपकी आगे रखनी है, मुंह को ओपन करना है और इस तरह से क्या कर देना है, पुश कर देना है, राइट। तो ये एयरवे देखो यहाँ पे, ठीक है, हल्के से छेद दिख रहे हैं, वो आपकी ट्रेकिया के ऊपर जाके जो है वो ये जमा हो जाएगी, इस तरह से फिक्स हो जाएगी, और अब इसमें क्या करना है, आपको इन्फ्लेट कर देना है कि सर ये यहाँ से जो है वो आपका इन्फ्लेशन हो जाएगा, सेम आपका लगे के सिरिंज लग के यहाँ पे इन्फ्लेट करोगे, ये कब ये भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, राइट, ये भी बैलून है। तो ये रहा आपका LMA, तो ये आपका जो है वो यूनिक LMA है। कैसा LMA है, यूनिक LMA, अलग अलग LMA आता है, LMA सुप्रीम जिसका शेप इस तरह से आएगा, राइट, कर्व्ड आएगा। नेक्स्ट आपका एक फेनेस्टेटेड आता है जिसमें ट्यूब को चेंज कर सकते हैं, वो सब अपन ने वीडियो के अंदर, क्लास के अंदर जो है वो पढ़ा हुआ है। तो ये आपका LMA यूनिक है, ये आपका LMA है, लैरिंजियल मास्क एयरवे, कोई भी ले पर्सन भी यूज कर सकता है, पर यूज करना आना चाहिए, तरीका पता होना चाहिए। इस तरह से आपका रहेगा, इंसर्ट किस तरह से करना है, इस तरह से आपको इंसर्ट करना है, इस तरह से अंदर जाएगा, इंडेक्स फिंगर आपको इस जगह पे रखनी है, राइट, और फिर पुश करना है आपको, क्लियर हो गया सर, इस तरह से आपको पुश करना है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे स्लिप होने के लिए आपको जेली लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये जेली एप्लीकेशन कर देंगे, आसानी से जो है वो स्लिप होके चला जाएगा। अब आप इसको क्या करेंगे, ऐसे रिवर्स करेंगे, मुंह को जो है वो ओपन करेंगे, और यहाँ से जो है वो आपको करना क्या है, पुश करना है, जोर से पुश करना है, पुश पुश पुश, इस तरह से फिंगर से पुश कर दिया आपने, ये ट्यूब चली गई अंदर। इसके बाद में ये जो आपका अंदर कितना भी आप डाल दोगे तो भी ये फिक्स जगह पे जाके ब्लॉक हो जाएगा। अब आपको फिक्स करना है, ये एयर आपको इन्फ्लेट करनी है इस बैलून के अंदर, या आपने एयर इन्फ्लेट किया, राइट, ये कफ जो है वो इन्फ्लेट हो गया, अब ये सही जगह पे है, राइट, अब आप अगर इससे ब्रेथ देंगे तो क्या होगा, सही जगह तक जो है वो ऑक्सीजन जाती रहेगी। तो ले पर्सन जो है वो इतना ही कर सकता है, राइट, शुरुआत में स्टार्टिंग करते हैं तब आपको थोड़ा सा पुश करने में जो है वो जोर आएगा, राइट, थोड़ा सा दबाव लगेगा, पर आप ये पुश कर लेंगे तब ये बाहर नहीं आएगा, क्लियर हो गया। और जब बाहर निकालना है तब आप पहले क्या करेंगे, इस तरह से जो है वो एयर को आउट करेंगे पहले,
राइट, और फिर आप क्या करेंगे इसको, ठीक है, इस तरह से बाहर निकाल देंगे, ये आपका बाहर आ जाए, क्लियर। ये एडवांस LMA है जिसको बोलते हैं आईजेल, राइट, इसमें किसी तरह का पायलट बैलून नहीं है, आप ये सीधा इंसर्ट करेंगे तो इस तरह से इंसर्ट होगा आपका ये, राइट। तो इस तरफ क्या लगानी पड़ेगी, जेली लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पे आप जेली अप्लाई करेंगे, राइट, जेली अप्लाई करने के बाद में इस तरह से ट्विस्ट करेंगे, फिंगर आपको इस तरह से रखनी है, राइट, फेस को आपको नीचे करना है और क्या करना है, पुश करना है, ये इस तरह से क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, क्लियर हो गया। अब ये ओरल सिक्रीशन से ही अपनी जगह को क्या करा देगा, फिक्स करा देगा, ये आपका जो है वो आईजेल इंसर्जन हुआ। अगर राइज ट्यूब डालनी है तो आप इस पास में जो छेद दिया हुआ है, होल है, उससे क्या सकते हैं, राइज ट्यूब डाल सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी आपने देखा LMA प्रोसीजर के किस तरह से इंसर्ट किया जाता है और साइज सिलेक्शन किस तरह से होती है, और ऐसे ही टॉपिक्स आपको जो है वो मजेदार क्लिनिकल वीडियोस और देखने हैं तो नीचे बायो के अंदर लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप NPrep ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां पे आपको हर एक प्रोसीजर के वीडियोस मिल जाएंगे जो आपकी तैयारी को एक एक्सट्रीम लेवल तक लेके जाएंगे। अगर आप गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो NORCET का प्रिपरेशन हो, CHO का हो, KGMU का हो, SGPGI का हो, चाहे दूसरे कोई भी एग्जाम हो, तो आप सभी लोग कंटेंट ढूंढ रहे होंगे, MCQs कहां से सॉल्व करें, तो मैं आपको बता दूं कि सब कंटेंट भी मिलेगा, MCQs भी मिलेंगे, PYQs भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, और आपके ऊपर निगरानी के लिए एक मेंटर भी मिलेगा। तो ये सब चीजें आपको मिलने वाली है गोल्ड बैच के साथ में, जो NPrep का गोल्ड बैच है वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करवाएगा, और आज ही एनरोल करिए और अपने सपनों को साकार कीजिए।